हाय, चाय तो तभी से पी ले। गुलशन आरा, तुझे बुलाने का एक मकसद है मेरा कि तू अजरा को लेके ना जरा बाहर घुमा फिरा के लिया, बाजार वगैरह ले जा। घर में रह रह के ना परेशान हो गई बेचारे। ये आंटी, आपके बुलाने पर मैं यहाँ आ तो गई हूँ पर बहुत डरते डरते आई हूँ। अरे आपने देखा नहीं था उस दिन उन्होंने कैसे हमला करा था मेरे ऊपर? मेरे को गुस्सा तो बहुत आया था, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही थी, मेरे ऊपर थे। दिल तो चाह रहा था इसके खिसार जाके इसकी सारी की सारी पोल पट्टियां खोलूं मैं। फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, अपनी दोस्ती रही है एक अरसे तक, वैसे ना बड़े राज हैं उसके मेरे पास। ऐसे कौन से राज हैं अजरा बाजी के, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे अपनी सास के सारे असली जेवर चुरा के नकली बनवा के रख दिए थे उनने। और तो और मेरे को बोला था किसी टीए फकीर के पास लेके चलो, हैं? मैं कोई अपनी गोदी में उठा के थोड़ी ले गई थी उसको। और मैं बताऊं आपको, उनने तो बेबी बाजी को घर पाने का पूरा अमल कर रखा था। अरे वो तो अल्लाह वाली औरत थी जो बच गई, वरना तो कभी निकल लेती। अरे और तो और कभी तावीज लाके सास के बिस्तर के नीचे रख रही है तो कभी देवरानी के। तुम भी तो उसको साथ लेकर जाती थी, उसके काम में तो बराबर के शरीक थी ना। अब क्या हुआ, कपड़े झाड़ कर पीछे हो रही हो, अलग हो रही हो? असल में ना आंटी, अजरा की ऐसी हालत देख के ना मेरे को अपनी फिक्र हो गई है। ये ठीक है मैंने उसका साथ दिया है, पर मेरे को ना अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है। और आखिर को मेरे को भी तो अपनी आंख बंद देखनी है कि नहीं देखनी। वो पता है मौलवी साहब क्या बता रहे थे, बोल रहे थे बुरे का अंजाम बुरा होता है। और तो और मैं आपको ये ना वीडियो दिखाती हूँ, रुके। ये आई तेरी, ये देखें। अरे बस अब तू भी संभाल ले, उसको भी संभाल। खाला बड़ी वो टेढ़ी है, वो नहीं संभलेगी, मैं बता दूं। अरे तुम बाज नहीं आ गई, चाय तने से पियो। या इला, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद। और अजरा को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें ड्रामा बेबी बाजी। और बेबी बाजी ड्रामा देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ARY डिजिटल का चैनल। तो जाएं सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें।